बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू TKS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर टीचर मिस हरम रहीम फ्रॉम TKS सीनियर ब्रांच। ओके, जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जुमे में हाजिर नहीं होते हैं उनके हक़ में इरादा करता हूँ कि हुक्म करो एक शख्स को जो लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं जला दूँ उन लोगों के घर जो जुम्मे को नहीं आते। बच्चे, इस हदीस से हमें जुम्मे की नमाज की फजलियत और अहमियत का पता चलता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे की नमाज जो मस्जिद में आकर बाद जमात अदा नहीं करता, तो उनका, वो कहते हैं, उनका ऐसा दिल चाहता है कि वो उनके घर जला दे। यानी कि जुम्मे की नमाज बाद जमात लड़कों का मस्जिद में अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अटेंडेंस। यस एमन, यस आमना अब्बास, अनस, बिलाल इज़ आल्सो प्रेजेंट, फसी इज़ आल्सो प्रेजेंट, हसीना, ओके, आईफोन 11 प्रो मैक्स, मलिक हुसैन, मेहर, मोइज़, मोहम्मद अली, साद वकास एंड मानूर। ओके बच्चे, स्विच ऑन योर वीडियोज़, आई वॉन्ट टू सी योर बुक्स इन योर हैंड्स। ओके, यस बिलाल, मलिक हुसैन, यस गुड, साद वकास, मोइज़ वेरी गुड, हसी आमना वेरी गुड, यस हसीना वेरी गुड, अनस, बच्चे आई कॉन्ट सी यू, बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें। अनस, आई वॉन्ट टू सी योर बुक। ओके, मोहम्मद अली, मेहर, फसी, बच्चे अपनी वीडियोस ऑन करें। हरी अप, स्विच ऑन योर वीडियोस। हरी अप, हरी अप बच्चे, व्हेन आई विल स्टार्ट द लेक्चर द बुक शुड बी इन योर हैंड्स, आई वांट टू सी इट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, यस्टरडे आई वाज गिविंग यू द टास्क अबाउट द लाइन ग्राफ। यस, दिस ग्राफ फॉर, यस, द लाइन ग्राफ अबाउट द रेनफॉल I have given you, and some of them have done very well. So first of all, I want to take their names and appreciate them. Yes, Fasi, well done, very good. You have to done your task. Yes, Hussein of class 7 also, and there was Bilal also, and it's also Aman and Maru. Very, very good. You have done very good efforts. Before going to the new topic, first of all I will tell you some things which I have noticed yesterday, which you have sent me the homework. Can you see this graph, all of you? Can you see this graph, all of you? Okay, bachche, the mistake was what? All of you have done very good, but the mistake was that ki aapka accurate place par accurate nahi aa raha tha. Matlab, for example, the rainfall was 10, so it must be in front of 10 and it must be of January. ठीक है, आपका लाइन ग्राफ द डॉट, जो मैं बार बार आप लोगों को पर्सनल उस पर मैं एक्सप्लेन कर रही थी, दैट द डॉट इज नॉट ऑन द एक्यूरेट प्लेस, द मीन इज दैट दैट इट मस्ट बी अबव द जनवरी एंड इन फ्रंट ऑफ 10. आपका ये जो लाइन है, इट्स, इसको आप इमेजिनरी लाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा शार्प से ड्रॉ करती हूँ, बट इट्स इमेजिनरी लाइन, ये लाइन ग्राफ में आपने ड्रॉ नहीं करना। तो आपका एरर कहाँ पर आ रहा था? सी दिस, ये प्रॉपर आपने, ये इमेजिनरी होगा, आपने ऐसे यूँ करना है एंड देन ये जनवरी के ऊपर, मीन्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस आपने 10 को लेना है एंड देन आपका इमेजिनरी आपने ये, इट्स यहाँ पर आ गया, देन फ्रॉम द वाई एक्सिस यू हैव टू, यस, मयू फ्रॉम जनवरी। तो ये आपका ग्राफ इसका एक्यूरेट आ गया। सेम एज, कैन यू सी हियर फेब्रुअरी? यस, अब आपने फेब्रुअरी के लिए, यू नो दैट कि ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, जहाँ पर भी यू कैन इमेजिनरी आपकी ये लाइन होगी। आप फॉर एग्जांपल, ये पूरी इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी कि ये लाइन है फेब्रुअरी की, ठीक है, इससे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये फुल है। अगर स्पेस का इशू होता है तो एफ ए बी बी आप लिख सकते हो। देन वट वॉज रेनफॉल वॉज रिकॉर्डेड अबाउट द 30 और अबव द 30, देन आपने उसको एक्यूरेटली ड्रॉ कर देना लाइन को, ठीक है। ये लाइन्स तो मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ बच्चे, ये इमेजिनरी होगी, मतलब आपने इस तरह मैय करना है, आपने इसी तरह ग्राफ को ड्रॉ करना है, आपका ये एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। फसी, बिलाल, ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे सेंड किए, तो उनको मैं एरर साथ साथ एक्सप्लेन कर रही थी। बच्चे, ये आपको प्रॉपर सेम एज है होना चाहिए, ठीक है, सेम एज मार्च
ठीक है, ये देखें, कैन यू सी मेरा, इट्स माई ग्राफ विच आई हैव ड्रॉन फॉर यू, इट्स एक्यूरेट, ये बिल्कुल 20 के सामने, ठीक है, एंड अबव मार्च, ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है. सो ये जो आपके एरर्स है, आई विल सेंड दिस पिक्चर यू ऑल्सो, ठीक है, एंड यू हैव ऑल ऑफ यू, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ये सब ने प्रैक्टिस करना है, एंड यू हैव टू सेंड मी, ठीक है, आप लोगों ने अगेन मुझे सेंड करना है, ऑल ऑफ यू, ओके ओके. नाउ ओपन योर बुक, ऑल ऑफ यू, टुडेस टॉपिक इज बार ग्राफ. ओपन योर बुक, पेज नंबर 6, बार ग्राफ. ओके, व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ प्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स, ठीक है, बार्स की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में वो देता है, विद हाइट्स और अ लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज ऑफ दैट दे रिप्रेजेंट, ठीक है, वो जो रिप्रेजेंट मतलब वो जितना डेटा है वो उस हिसाब से उसको ब्लॉक्स जो है या हम रेक्टेंगुलर शेप की जो है हम बनाते हैं. बार ग्राफ आर यूज टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और टू ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम. बार ग्राफ आर द बेस्ट व्हेन द चेंजेस आर लार्जर. सो बार ग्राफ हम ज़्यादातर कहाँ हैं, चेंजेस जो हैं वो हमारे पास लार्ज स्केल में होती हैं, तो हम उसमें बनाते हैं, और ये हमारे लिए बेस्ट है कब, जब चेंजेस लार्जर होती हैं, देन इट्स ईजी फॉर अस कि हम उसको बहुत ईजीली जो है उसकी जो है डेटा कलेक्शन होती है उसको ईजीली हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. क्लियर? सो व्हाट इज़ द बार ग्राफ? बार ग्राफ प्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स विद हाइट और अ लेंथ, ठीक है, उसको हम हाइट भी में कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे हाइट में, लेंथ में, ठीक है, और हम जो है उसको लेंथ में भी कह सकते हैं. मैं आपको ये पीछे शो कर रही हूँ, दीज आर द बार्स, ठीक है, बार ग्राफ इस तरह होता है, इट्स अबाउट लेंथ, ये हमारे पास लेंथ में भी आ रहा है और ये हमारे पास हाइट में भी आ रहा है, ठीक है. सो बार ग्राफ हमारे पास कौन सा है? बार ग्राफ आपके पास ये ब्लॉक्स फॉर्म जो है फॉर्म में है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, और ये हम यूजली कब करते हैं, जब चेंजेस लार्जर होती हैं, ये हमें उनमें डिफरेंशिएट करने में, उन ग्रुप्स में, उन चीज़ों में जो है डिफरेंशिएट करने में क्या होता है, आसानी होती है. नाउ हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ? सेम एज अ लाइन ग्राफ, द सेम प्रोसेस इट, बट क्योंकि वो इट्स लाइन ग्राफ, वो लाइन ग्राफ था एंड दिस इज़ बार ग्राफ, तो ऑफकोर्स इसमें चेंजेस होंगी. द फर्स्ट डेटा is about, can you see the data? The data is from the distance from the school, 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer and more than 3 kilometers, and the number of students are 5, 8, 4, 3. Now how to draw a bar graph? Okay, bachi. Can you see that? From where we have to start, which I've told you yesterday also. I will draw here again for you. Okay, this one line. All of you can also practice with me. ठीक है, there is any issue. ठीक है, the first graph I'm explaining you. Then other graph you have to also practice with me. ठीक है, all of you bachi, I want to see your videos. Be attentive. Okay, yes, Moez, Amna Abbas, Fasi, bachi, I want to see your videos. Anas, Aman, bachi, switch on your videos. Okay, first of all, you have to draw what? You have to draw the horizontal line. Which one line? Horizontal line, it's x-axis. The horizontal line, can you see? With red pen marker, I have drawn horizontal line. And this line is called x-axis. The horizontal line, first draw the horizontal line, and the name of this line is x-axis. Now you have to draw now the vertical line. Draw here the vertical line. The second step is draw vertical line. Okay, and the vertical line is known as y-axis. The vertical line is known as y-axis. Now look at your data.
Look at your own book first. The first data. The data is 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer and more than 3 kilometer. Clear? So, 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer and more than 3 kilometer. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल जो है हमने डिस्टेंस जो है वो हमने वाई एक्सिस पे शो किया है एंड हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट मेंशन ऑन एक्स एक्सिस. आई टोल्ड यू दैट मेजॉरिटी वी राइट डाउन द फिगर्स डिजिट्स ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, लेकिन अगर हम अपोजिट कर लें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा. बट इन बार ग्राफ देर आर टू वेज, यू कैन ड्रॉ इट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली बोथ. ठीक है, आप इस तरह भी बना सकते हो और आप इस तरह भी ब्लॉक फॉर्म में जो है ड्रॉ कर सकते हो. बस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. नाउ द फर्स्ट वाज 5 किलोमीटर. पहला फिगर हमारे पास क्या था? 5 किलोमीटर. ठीक है, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स थे? 5. कैन यू सी ऑन योर बुक हाउ मेनी स्टूडेंट 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पर कितने बच्चों का घर है? 5. कैन यू सी हियर? 5. ड्रॉ अ लाइन हियर लाइक दैट, इमेजिनरी लाइन. ठीक है, ड्रॉ नहीं करनी, आपकी इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, ड्रॉ अ लाइन लाइक दैट कि यहाँ पर है, स्टॉप हियर, पुट अ डॉट एंड देन फ्रॉम 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर आपका है तो 1 किलोमीटर पे आप, कैन यू सी ये ऊपर, यस, एंड स्टॉप हियर. सो इट्स मीन्स 5 स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर, 5 स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर, 5 स्टूडेंट्स, यस, 1 किलोमीटर. देन यू हैव टू टेक द स्केल. उसके बाद अगेन स्केल होगा, आपका यहाँ डॉट है, यू नो दैट के 5 स्टूडेंट्स और 1 किलोमीटर, देन यू कैन ड्रॉ द ब्लॉक हियर. ठीक है, बार आपने बनाने ना, ब्लॉक आपने यहाँ पर बनाने, रेक्टेंगुलर शेप का आपका ये आएगा. और इट नॉट नेसेसरी कि ये इतना ही ब्रॉड हो. ठीक है, मैंने थोड़ा ब्रॉड हो थोड़ा इतना बनाया ताकि आपको क्लियर जो है नज़र आ जाए. सो 5 स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने डॉट लगाया, 1 किलोमीटर ऊपर से मैं देख लिया. ठीक है, 1 किलोमीटर, 5 स्टूडेंट्स, और यहाँ पर उसके बाद मैंने ब्लॉक बना लिया अगेन. देन द नेक्स्ट फिगर वॉज 2 किलोमीटर्स एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स? 8. फर्स्ट फाइंड आउट 8, हियर इज 8, इमेजिनरी लाइन, और बिल्कुल एक्यूरेट उसी के बच्चे, बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट आना चाहिए, उसी के ऊपर आपका डॉट होना चाहिए. ठीक है, आपके वाई एक्सिस पर जो आपके, चाहे वो डेज लिखे हुए हैं, चाहे आपके डिस्टेंस हैं, चाहे वो रेनफॉल का भी है, जिसका भी आप डेटा आपके पास है, एक्यूरेट होना चाहिए यहाँ से आपका डिजिट और यहाँ से आपका जिस चीज़ का आप फाइंड करो. ठीक है, जैसे मैं अभी किलोमीटर डिस्टेंस का फाइंड कर रही हूँ. सो एक्यूरेट 2 किलोमीटर्स यहाँ से यहाँ ऊपर, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स? इट्स 8. सो मैंने यहाँ पर डॉट लगा लिया एंड नाउ आई विल ड्रॉ द बार. अब मैं इसको बार बनाऊंगी, सेम एस ड्रॉ दिस वन लाइन एंड देन दिस वन लाइन. सो द बार इज क्लियर नाउ. ठीक है, सो 5 स्टूडेंट्स मुझे इजीली नज़र आ रहा है. 5 स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 किलोमीटर. 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 8. ठीक है, एंड देन मूव ऑन 3 किलोमीटर्स. 3 किलोमीटर्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 4. कैन यू सी दिस 4? यस. सो मूव ऑन इमेजिनरी लाइन, यस, ये यहाँ पर है एंड देन पुट हियर द डॉट, और ये किसके ऊपर डॉट आ रहा है? 3 किलोमीटर्स. मेरा डॉट बच्चे इसके बीच में नहीं आ रहा. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बार नहीं बनाया, इन दोनों के बीच में, इट विल कंसिडर रॉन्ग. ठीक है, अगर आपके पास स्पेस कम भी है आप क्लोज बना सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक के जो है स्पेस पर दूसरे का बनाओगे, वो कंसिडर रॉन्ग होगा. आई हैवन ड्रॉ हेयर द ब्लॉक, मैंने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उनकी एक्यूरेट जगह पर ही ड्रॉ कर रही हूँ. अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ 3 किलोमीटर्स जो है वो ड्रॉ कर लिए, 3 किलोमीटर्स इफ़ आई हैव गिवन द हेडिंग हियर. ठीक है, मैंने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है तो इट्स मीन दैट कि मैंने इसी के ऊपर ब्लॉक बनाना है, देन मैंने इस स्पेस पे नहीं ड्रॉ करना. क्लियर, इस स्पेस पे मैं नहीं ड्रॉ करूँगी. सो हाउ मैनी? 4 स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स थे? 4 स्टूडेंट्स. देन 4 स्टूडेंट्स, ओके, देन ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ हेयर द लाइन. ठीक है, यहाँ पर आपने इसी तरह ड्रॉ लाइन करनी है. ठीक है, देन अगेन दिस वन लाइन, दिस वन लाइन, और ये मेरे पास बार बन गया. क्लियर, द लास्ट वन.
लास्ट वन हमारे पास क्या है, मोर देन 3 किलोमीटर्स, ठीक है, 3 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है. तो हाउ मैनी ऑफ दैम, देवर 3 स्टूडेंट्स. सो 3 स्टूडेंट्स, 3 इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये आ रहे हैं. और यहाँ पर आई हैव पुट हियर अ डॉट, और फिर फ्रॉम द वाई एक्सिस 3 मोर देन 3 किलोमीटर्स, ये मैंने ऐसे लिए, यस, इधर इसकी प्लेस है. ओके, देन ड्रॉ दिस बार ग्राफ, ठीक है, एंड यस, इट्स डन. सो अगेन आई एम रिवाइजिंग दैट इट्स नॉट ईजी टू स्टडी. क्या आपको ये बार, आप अगर आप यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना भी देखो तो क्या आपको क्लियर समझ आ रही होगी कि 1 किलोमीटर थोड़ा कितना है, फिर 2 किलोमीटर्स के बच्चे ज़्यादा हैं, 3 के उससे कम हैं, और जो मोर देन 3 किलोमीटर्स है वो उससे भी कम डिस्टेंस है. क्या आपको इस बार से इनकी जो है डिस्टेंस का पता चल रहा है? ठीक है, इट इज़ ईजी. ऑल ऑफ बच्चे, एनी क्वेश्चन बच्चे? मलिक हुसैन, बिलाल, मेहर, बच्चे आई वॉन्ट टू सी योर वीडियोज, वेरी गुड. बिलाल क्लियर, मेहर, हुसैन, बच्चे आप अपने वीडियो पर ही रेज हैंड कर लो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर रेज हैंडिंग करो, आप लोग वहाँ पर जस्ट रेज हैंड कर लो, दैट इट्स क्लियर. क्लियर मुइस, फसी बच्चे, क्लियर फसी, बच्चे फसी शो करें मुझे, आपकी जस्ट बुक नज़र आ रही है, आई वॉन्ट टू सी यू, हाथ ऊपर करें. हरिया वकास, मुइस, बच्चे रेज योर हैंड की मुझे नज़र आए कि आपको क्लियर हो गया. हसीना, डन. ओके, मोहम्मद अली, आमना अब्बास, आईफोन 11 प्रो एंड एमन. ओके बच्चे, आई वांट टू सी योर वीडियोस, बच्चे आप लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे. ओके, HPS आईफोन, ओके गुड. ओके नाउ बच्चे, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दैट विद अनदर डेटा, बट बिफोर गोइंग दैट, इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन? एनीवन हु इज स्टिल कंफ्यूज्ड? Anyone who is still confused? No one? Should I move on? सब कुछ समझ आ गया? Should I move on? बच्चे अपने सर हिला दे. Yes, move your head that you it's understand. Ma'am, please explain it again. Okay, Muhammad Ali, I'm explaining it again for you. Muhammad Ali. Okay, Muhammad Ali, first tell me where on which part you are confused? ठीक है, कौन सी चीज़ पर, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, या बार ड्रॉ करने में आपको कन्फ्यूजन है? सो आई विल एक्सप्लेन दैट फन पार्ट. ओके, कौन सी चीज़? यस मोहम्मद अली, ओके मोहम्मद अली, बच्चे आई एम एक्सप्लेनिंग यू फर्स्ट. ओके, बार ड्रॉ, ओके फाइन, ठीक है, इट्स मीन्स दैट एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इज क्लियर, एंड यू हैव टू राइट डाउन देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 9, एंड ऑन वाई एक्सेस यू हैव टू राइट डाउन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स एंड मोर देन 3 किलोमीटर्स. यहाँ पर हमने डिस्टेंस शो कर दिया, ठीक है. अब हमने बार ड्रॉ कैसे करना है? मोहम्मद अली, लुक एट हियर, कैन यू सी, अपनी बुक से मुझे बताएं कि फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे? कितने स्टूडेंट्स हैं? 5. कैन यू सी, आपको जो डेटा नज़र आ रहा है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा. सो कैन यू सी हियर द डिजिट 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5. सो कैन यू सी दैट, उसी के सामने मैं यहाँ पेंसिल मूव कर रही हूँ, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है. आप हल्की सी ड्रॉ कर भी सकते हैं, अगर आपको वैसे आपको इजी वे लग रहा है आप ड्रॉ करने के बगैर, तो आप तब भी कर सकते हैं, ठीक है. देन यहाँ पर पुट करें डॉट और बताएं आपने कितने किलोमीटर्स के 5 स्टूडेंट्स से 1 किलोमीटर, आपका ये एक्यूरेट होना चाहिए, 5 स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर. सो यहाँ पर डॉट पुट के बाद आपने इसको बार ग्राफ में, क्योंकि नाम से पता चल रहा है बार, ठीक है, रेक्टेंगुलर हमारे पास होगा, या हाइट या लेंथ में हम कह सकते हैं होता है, और फिर यू हैव टू ड्रॉ अ बार, ठीक है, आपने लेंथ में इसकी बार एक ऐसे बना लेना है. तो ये शो हो रहा है, इस बार की लेंथ से पता चल रहा है कि ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हाउ मैनी स्टूडेंट्स, 5. ओके स्टूडेंट्स, क्लास इज ओवर, एंड बच्चे आई एम नॉट गिविंग यू द न्यू टास्क, बट आपका जो प्रीवियस टास्क है लाइन ग्राफ, यू हैव टू डू दैट एंड सेंड मी द पिक्चर्स ऑल्सो. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.